भाजपा युवा मोर्चा महानगर व जिला इकाई की संयुक्त बैठक राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला की अध्यक्षता में बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुआ, जिसके संबंध में भाजपा के राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि पार्टी का दायित्व है कि लोगों को अच्छे और बुरे कार्यों से अवगत कराएं। देश में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और देश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय न्यायपालिका ने निर्णय लिया था कि उनका चुनाव अवैध है, लेकिन जबरदस्ती अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करके देश में आपातकाल लगाया था। लोगों का जबरदस्ती नसबंदी करवाया जाता था, लोगों के मकान गिराए गए और प्रेस की आजादी खत्म की गई, प्रेस की बिजली काट दी गई, जिसको याद दिलाने के लिए युवा मोर्चा 25 जून को काला दिवस के रूप में मना रही है। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकाल लगा था, इसकी वजह से भारत के लोगों पर तंत्र हावी हो गया था। देश की आजादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भावना पर कुठार घात था। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सत्यम मिश्रा, उपाध्यक्ष संजू यादव, कर्मवीर सिंह, आशीष ओझा, महामंत्री रजत गुप्ता, हर्ष श्रीवास्तव, शिवम राय, आकाश श्रीवास्तव, राहुल गिरी, अभिषेक श्रीवास्तव, अमित पांडे, विकास पांडे, राहुल राणा, शशांक द्विवेदी, अनुज सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, सभी मंचासीन अतिथियों से आग्रह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय और स्वर्गीय सुपांजलि अर्पित करें। तिवारी जी का स्वागत करें। महानगर के महामंत्री हर्ष जी से आग्रह करता हूं कि आप भारतीय जनता युवा मोर्चा गोरखपुर जनपद एवं महानगर इकाई द्वारा आयोजित इस आपातकाल संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी का मार्गदर्शन करने पहुंचे भारत सरकार के पूर्व वित्त राज्य मंत्री, राज्यसभा के लोकप्रिय सांसद, हम सभी के अभिभावक आदरणीय शिव प्रताप शुक्ला जी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हुए वंदन करता हूं। मैं स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री जिन्हें नेतृत्व द्वारा गोरखपुर जनपद और महानगर में प्रवासी के रूप में इस कार्यक्रम के दृष्टिकोण से लगाया गया है, ऐसे श्री मयंक चंद्रशेखर त्रिपाठी जी का भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर जनपद के जिला उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य और पूर्व में गोरखपुर जनपद के जिन्होंने युवाओं का नेतृत्व किया, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के निर्देश कार्यकाल में मुझे भी उनके साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था, ऐसे श्री मनोज शुक्ला जी का भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वागत करता हूँ अपने गोरखपुर महानगर के यशस्वी अध्यक्ष श्री सत्यार्थ मिश्रा जी का भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वागत के क्रम में मैं आप सभी गोरखपुर जनपद महानगर इकाई के सभी जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज 25 जून को जो इमरजेंसी लगी थी, 25-26 जून का जो अध्याय था, काला अध्याय भारत के इतिहास में, वो दिन बहुत ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों को हनन करने वाला दिन था और एक ऐसे लोकतंत्र की हत्या करने का कुंडित प्रयास किया गया था कि जो आप सभी हम जब सब उसकी कहानी सुनते हैं, उसके बारे में जब सोचते हैं, तो निश्चित तौर पर दिल को बहला देने वाली घटना नजर आती है और हमारे मुख्य अतिथि उस इमरजेंसी काल से भी दौर से गुजरे हुए हैं
और हमारे तमाम जो राष्ट्रीय नेता है उनकी जो गिरफ्तारियां हुई थी, जो विपक्ष पे जो है एक तानाशाही सिकंजा कसा गया था, लोकतंत्र का गला घोटने का कार्य किया गया था, उसी को आज काला दिवस के रूप में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के निर्देश पे मनाने का कार्य कर रहे हैं। एक संगोष्ठी के माध्यम से इन सब चीजों को या जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में जो लोकतंत्र को जिंदा रखने की, जो लोकतंत्र की बातों को समान नागरिक संहिता सुरक्षित रखने के लिए सबको अधिकार देने की बात जो की जा रही है, वो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकर के जो नरेंद्र मोदी जी भारत देश को का परचम पूरे विश्व में लहरा रहे हैं, उसी के संदर्भ में हम आज ये कहना चाहते हैं कि हम सभी ऐसा भाग्यशाली है जो भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं सभी अपने मंच सदस्यों का स्वागत करते हुए, देखिए ये भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को तय किया है, लोगों को जो विस्मृतियां हैं उस विस्मृतियों से उबार कर करके जो अच्छे काम हुए वो भी और जो खराब काम हुए वो भी, उस सबको अवगत कराना। तो आज का जो कार्यक्रम है वो कांग्रेस शासित श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थे या देश था, उस समय उन्होंने न्यायपालिका को भी दरकिनार करके न्यायपालिका ने निर्णय दिया था कि उनका चुनाव अवैध है, लेकिन जबरदस्ती अपने को पुनः प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करके देश में आपातकाल लगाया था, लोगों को गिरफ्तार किया था, वहाँ पर नशबंदी तक का एक कई सूत्री का कार्यक्रम जो उनका था उसमें करा दिया था। ऐसे लोगों का भी नशबंदी हो गया जो शादीशुदा नहीं थे, लोगों के पूरी तौर पर मकान तक गिराए गए, प्रेस की आज़ादी ख़त्म की गई, प्रेस की बिजली काट दी गई। तो उस सब को याद दिलाने के लिए जनता युवा मोर्चा ने जो यह कार्यक्रम रखा है आपातकाल के विरोध में, जो इस देश में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था, मैं आज उसी कार्यक्रम में जनता युवा मोर्चा द्वारा आहूत एक अतिथि के नाते हूँ, और उसमें मुझे लगता है कि देश में आपातकाल जैसा काला दिवस और कुछ नहीं है। लोकतंत्र इस देश का आधार है और श्रीमती गांधी ने उसी लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था, तो हम सब लोग उसी के विरोध में आज इस कार्यक्रम को मना रहे हैं।